पार्वती वैली में मैंने विंटर्स जिए। ग्राम पंचायत बरशानी तुलगा, पुराने पुराने ऐसे लकड़ी के घर बने हुए, पुलगा लेकर के चलते हैं अपने साथ में। ये भी है ना देवता का टेंपल, स्टार्ट हो गए कैफेज वगैरह, यही है पूरा पुलगा। दोस्तों वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ विंटर पार्वती सीरीज। तो जब मैं लखनऊ से चला था तो ये चीज़ सोच करके आया था कि इस बार वाली पार्वती सीरीज में हम लोग बहुत ही अच्छे से अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करेंगे, आने के बाद में देखेंगे कि कैसा दिखता है वाइब पार्वती वैली का विंटर्स में। लेकिन एक महीने से ज़्यादा ही मुझको हो गया है कालगा विलेज में, तो अलग अलग जगह का तो नहीं पता, लेकिन जितना अच्छे से मैंने लोकल लाइफ इस बार कालगा में एक्सप्लोर करी है दोस्तों, लखनऊ में मैंने विंटर्स काटे हैं, पार्वती वैली में मैंने विंटर्स जिए, इसको आप समझ लो। तो बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, तोर्ष से वापस आने के बाद में कालगा में हुआ हैवी स्नोफॉल। आज है लकीली ब्राइट सनी डे, तो मेरा और खीमू भाई का जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, प्लान है यहाँ से टूवर्ड्स तुलगा एंड पुलगा साइड जाने का। तो मैं आपको जल्दी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ खीमू भाई से और दिखाता हूँ कि कैसा है वाइब पार्वती वैली का विंटर में। तो दोस्तों ये रहे स्टाइल मारते हुए हमारे खीमू भाई। खीमू भाई क्या हाल है? याद किया आपने मुझको जब मैं तोज गया था। तो खीमू भाई आज हमारा क्या प्लान है यहाँ से टूवर्ड्स तुलगा एंड पुलगा साइड घूम करके आएंगे? यहाँ पुलगा जाएंगे, तुलगा और पुलगा जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, थोड़ी देर में हो जाएंगे एक्टिव। तो दोस्तों ये रही इनकी प्रॉपर्टी ऑफ बीट कालगा स्टे एंड कैफे। जैसा कि मैं बचपन से बोलता आ रहा हूँ आपको, कुछ ऐसा व्यू 360 डिग्री मिलेगा यहाँ से। क्यों भाई क्या हुआ, गोप्रो स्टार्ट कर दिया क्या? तो हम लोगों को जाना है उस वाली साइड, पीछे की साइड है टुवर्ड्स तुलगा एंड तुलगा। तो खीमू भाई चलते हैं ब्रो, अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग और जल्दी से पब्लिक को दिखाते हैं कि कैसा है तुलगा और पुलगा। तो हम लोग जाएंगे इधर से, कौन सा रास्ते से उतरेंगे जो शॉर्टकट है पुलगा के लिए ना? यहाँ से नीचे पहुँच गया मैं सीधा। ओके ठीक है। तो पब्लिक खिम भाई गए जब तक दूध लाने के लिए, उनको पहुँचाना है पुलगा, इसी के बहाने हम लोग जा रहे हैं। यार हमारा दोस्त टॉमी चलेगा अपने साथ में हा? और यहाँ से हमको जाना है नीचे टूवर्ड्स पुलगा एंड तुलगा। ला दो भाई इसको, ठीक है दूध। अगर विंटर्स में कोई आदमी ऊपर आ रहा है कालगा के लिए, सबसे सेफ रास्ता ये है ना। बोलते बोलते फैल ना जाऊँगा मैं यहाँ पे, ऑनलाइन बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो मेरी। किस हिसाब से यहाँ पे देखो बर्फ पिघल रही है और पूरा ये एरिया हो गया स्लिपरी। तो थोड़ा आगे ध्यान देता हूँ मैं, जस्ट सामने ही है मेरे सूरज भी, बोल के फुटेज भी हल्का सा खपेगा। आगे जाकर के हम लोग इधर वाली साइड घूम जाएंगे, सीधे रास्ता जाएगा बरशानी के लिए। बस हम लोग पहुंच चुके हैं पागल नाले के लिए, मतलब विंटर्स के टाइम पे भी इसका फ्लो बहुत हार्ड है। तो इस तरह से कुछ रोड पे कैंपर आते हुए। यार खिम भाई क्या पगला है भाई, नॉर्मल तो इसको क्यों बोलते हैं पागल नाला, ढंग का ब्रिज बना देंगे हो जाएगा सही? नहीं इस टाइम पे होता है पानी कम ब्रो, इसकी वजह से है। तो बरसात होती ना, बारिश आती तो कंटिन्यू तो बढ़ जाता है, देखो पूरा आ जाता है यहाँ से पूरे, तो यहाँ पूरा ये भी पूरा आ जाता है। तो कैसे लोग जाते हैं पुलगा तुलगा के लिए? फिर कुछ टाइम होता बंद भी, कई बार बंद भी हो जाता है, एक दो दिन के लिए हो जाता है। तो दोस्तों कुछ ऐसा हाल है रोड का, मतलब देख करके ही पब्लिक समझ सकती है। अगर कोई पब्लिक चाहे तो ऐसा एक दिन में ही कालगा से तुलगा और पुलगा घूम के आराम से आस भी सकता है, पूरे चिल विल करके। हाँ यस, हाँ ये हो नजदीक ही है ना यहाँ से। हाँ मतलब अगला अगला पहाड़ है ना सीधे। तो दोस्तों जैसे यहाँ से क्रॉस करते के साथ ही सामने उधर जो गांव है वो है तुलगा। तो दोस्तों तुलगा जाने के लिए ट्रेल जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ब्रिज आता है, उसके बाद हम लोगों को ऊपर जाना पड़ता है, वहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो फिर भाई आपका कहना जो तुलगा की चढ़ाई वो अभी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगी शॉर्टकट वाली। हाँ कोई नहीं भाई, हो जाएगा गिरते गिराते।
हाँ तुलगा के लिए यहाँ से जाना है। तो दोस्तों हम लोग कुछ वहाँ से आए हैं, ये एक ब्रिज मिलेगा, ये वाला रास्ता जाएगा पुलगा के लिए, हमको चलना रहेगा यहाँ से ऊपर। तो दोस्तों मतलब अगर आप लोग कलगा से पुलगा साइड जा रहे हो तो आप लोग एक ऐसा छोटा सा पिट स्टॉप ले सकते हो तुलगा के लिए, पास ही में इस वाले ब्रिज से होगा अनदर 10-15 मिनट का रास्ता। तो दोस्तों उधर से आने के बाद में क्या ही खूबसूरत हो गए नज़ारे, और ये ब्रिज क्रॉस करना हम लोगों को, यहाँ से और 10 मिनट लगेगा ना, 10-15 मिनट इधर रुकते हैं थोड़ी देर। भाई क्या ही खूबसूरत नज़ारे, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। तब यहाँ से चले हम लोग तुलगा के लिए। ग्राम पंचायत बरशैनी तुलगा। तो दोस्तों अब हमारी एंट्री हो गई है तुलगा गांव के लिए, बाहरी लगी है डस्टबिन, तो अंदर गांव में कचरा ना फैलाएं क्यों। तो दोस्तों एंट्री के साथ ही बहुत ही ज़्यादा शांत विलेज है तुलगा, और यहाँ पर कैफेज वगैरह भी हो गए हैं स्टार्ट, लवाज एंट्री लिए कैफे में स्टार्टिंग, और ये रहा शांत सा तुलगा गांव। तो दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो ज़्यादातर लोकल हिमाचली घर बने हैं। ये है तुलगा का फेमस टेंपल जिसको हमने कवर किया था पिछले वीडियो में। तो अब की हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गांव है तुलगा, मतलब अगर आप लोगों को हिमाचल की लोकल लाइफ एंजॉय करनी है तो तुलगा ज़रूर आए। मतलब यहाँ पर ऐसे आपको पूरा लोकल विलेज वाइब मिलेगा, पुराने पुराने ऐसे लकड़ी के घर बने हुए, तो दोस्तों कुछ ऐसे ही यहाँ की लोकल लाइफ, मतलब इस तरह से गाय को पानी आनी देते हुए यहाँ पर धूप दी जा रही है, कुछ इस तरह से चारा आरा स्टोर करके रखते हैं, नीचे का फ्लोर लकड़ी, उसके बाद एक फ्लोर चारा, फिर एक फ्लोर रहना, इस तरीके का सिस्टम चलता है क्यों। तो दोस्तों अब हम लोग ले रहे हैं गांव से एग्ज़िट, कुछ ऐसा माहौल है अभी यहाँ का दोस्तों, इसलिए थोड़ा आराम आराम से पहले आगे बढ़ लेते हैं हम। तो काफ़ी सही विलेज है तुलगा, कभी ज़िंदगी में किम भाई दोबारा आके मैंने एक बार यहाँ पे रुकना है। तो अब हम लोगों को जाना है वो साइड, उधर है तुलगा, आई मीन पुलगा ना, पुलगा, वो सामने रहा बरशैनी, तो यहाँ से हम लोग शॉर्टकट लेने वाले हैं सीधे यहाँ से नीचे। और ये सामने बना है दोस्तों यहाँ का स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, क्लास 5th तक है ना शायद ये। तो दोस्तों ये वाला शॉर्टकट लिया था हम लोगों ने बरसात के टाइम पे, वो पब्लिक को बोलने ही वाला था मैं कि हम लोगों ने बरसात में ये वाला रास्ता लिया था, तभी बहुत ज़्यादा स्लिपरी था, अभी तो कदम जमा जमा के ध्यान दे के चलना होगा, रुकना भाई भाई ज़रा मेल नहीं भी। तो दोस्तों कुछ ऐसा स्लिपरी टाइप का माहौल है यहाँ पे, देख के भाई मेरा भी वेट करना, कहीं वीडियो बनाने के चक्कर में निपट ना जाऊं मैं। आ गया भाई बच के आ गया। तो भाई लोग बच बचा करके नीचे तो पहुंच चुका हूं मैं, तो कुछ वहां से तुलगा से आ चुका हूं मैं नीचे, मुझको जाना रहेगा उधर टुवर्ड्स पुलगा। तो मतलब इधर साइड का सबसे इजी बोल दोगे कि पहुंचने का जो रास्ता है, एक था पहले तोश का कि डायरेक्टली गाड़ी खड़ी करी ब्रिज क्रॉस करा तोश, दूसरा पुलगा गाड़ी खड़ी करी और पुलगा। ठीक टॉमी जा रहा है भाग भाग के आओ ओए टॉमी। तो ये एक दूसरा ब्रिज आ गया है पुलगा वाला। हाँ कौन है कहाँ है कमल भाई, फोन ही उठा रहा ना और पूछता हूँ। हाँ आ जाए सही दिख गए आपके तुलगा वाले दोस्त, कैसे हाल है कमल भाई, दो बार कॉल किया इन्होंने आपको, आपके गांव आए थे हमने सोचा आपसे मिलेंगे थोड़ा बहुत तुलगा उलगा घूमेंगे, पुलगा लेकर के चलते हैं अपने साथ में।
ये लास्ट पॉइंट आ गया यहीं पे, बाइक टैक्सी एक्सी लगा करके सीधे तुलगा में एंट्री, पुलगा में। तो दोस्तों अब हमारी एंट्री होने जा रही है पुलगा गांव के लिए, मतलब बहुत ही ईजी है यहाँ तक पहुँचना। गाड़ी लेकर के आइए, यहाँ पे लगाइए और ये सामने पुलगा। तो दोस्तों जब लास्ट टाइम भी मैं आया था पुलगा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुझको विलेज लगा था पुलगा। मतलब पहले के टाइम पे यहाँ पर ऐसा पार्टीज़ होती थी, ऊपर की साइड पे फेरी फॉरेस्ट करके एरिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। लास्ट टाइम भी नहीं जा पाए थे, इस बार भी नहीं जा रहे, कोई नहीं, अनटिल नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दे रहे हमको, कौन सा दोबारा नहीं आना है। अभी के लिए आपको दिखाते हैं पुलगा गाँव, भाई लोग भी है साथ में, कंपनी मिल गई अच्छी, तो थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दें पुलगा के बारे में। तो भाई लोग एंट्री के साथ ही यहाँ पर हमको पहाड़ों का ट्रैफिक जैम भी मिल गया है। कहाँ लेके जा रहे हैं भाई ये सब भीड़ को, इस टाइम तो हर जगह बर्फ है। ये वाला पेड़ नहीं, ये देखो लोग लैंग्वेज मोर बोलते इस पेड़ को, क्या बोलते हैं मोर, मोर ये काट के ना उसकी ओर झाड़े खाने ले जा रही है। हाँ अभी शायद पीछे तुलगा में मैंने देखा कोई आदमी काट रहा था। दोस्तों एंट्री के साथ ही कुछ ऐसा माहौल है पुलगा का। कहाँ है टॉम, हुआ तो रहा है, डरता नहीं है ये। तो दोस्तों उधर से आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हैवी डिस्कशन चल रहा है, पब्लिक जाना चाह रही है उस तरफ खिम भाई गांव, लेकिन इधर से कोलोड़ा घूम घाम के आते गांव। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही पुलिका की गलियाँ घूमते हुए पूरा लकड़ी स्टोर करके रखी गई यहाँ पे। आगे की साइड कैफे कोफे बने ना, कोई बूम शंकर और बेला व्यू ये सब करके। ये भी है ना देवता का टेम्पल, तीन चार टेम्पल है यहाँ पे पुलगा में, एक उधर भी है, एक इधर भी है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गए कैफेज वगैरह, राइट, ऊपर की साइड भी थे कैफेज, ये फ्रीडम कैफेटेरिया। तो खिम भाई प्रॉपर्टीज वगैरह तो बहुत सारे बने ना कैफे वैफे पुलगा में, तो अगर किसी को ऐसा जाड़े वाड़े के लिए कपड़े चाहिए तो वो भी इधर अवेलेबल है। देवराज भाई जी ये भी बहुत फेमस है यहाँ का, एक बूम शंकर है, एक बेला व्यू करके भी है, फिर अपने भाई का गुडलक भी है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से छोटे छोटे पैसेज से होते हुए हम लोग आ गए आगे, एक वैली टाइप मतलब ओपन हो गई है यहाँ पे। तो क्या ही खूबसूरत खूबसूरत प्रॉपर्टीज़ वगैरह बनी है, डॉक्सी हाउस, क्या ही नज़ारे हैं। उस तरफ कहीं है बरशैनी। तो खीमू भाई अब यहाँ से आगे जा कर के क्या फ़ायदा है, अब यहाँ से वापस चलें? हाँ क्योंकि आगे वाली साइड पर पिछली बार हम लोग जा ही चुके हैं, वीडियो हो जाएगा लंबा, अब चलते हैं वापस अपने दोस्त वोस्त से मिलते हैं। तो दोस्तों पुलगा में काफ़ी पॉपुलर ग्रोसरी स्टोर मैरीगोल्ड, हम लोग चल रहे हैं आगे की साइड। भाई जी ये उनका टेंपल है ना नारायण देवता का, नारायण देवता का, कुछ इस तरह से बच्चे स्कूल से आते हुए। तो दोस्तों मतलब जाड़े के टाइम पे पब्लिक आराम से चिल करती है, आज अच्छी निकली है धूप, बाहर बैठे हुए हैं, गाय भैंस को खाना ना दिया जा रहा है, स्कूल की छुट्टी हुई है, क्या ही मस्त वाइब है यहाँ का। चल टॉमी। तो भाई लोग मतलब ऐसा कोई ताजमहल टाइप का नहीं है पुलगा में दिखाने के लिए, मतलब यही है पूरा पुलगा, ऐसे ही है यहाँ का व्यू, मतलब पूरा स्नो कवर्ड। पब्लिक डिस्कशन करती हुई दूध कहाँ देना है, यहाँ पर रहा गवर्नमेंट स्कूल। कुछ ऐसे ट्रिपी ट्रिपी टाइप के कैफे कुफे बने हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ बैठने के मूड में नहीं। खिम भाई जाओ उधर होकर क्या हो, फिर आप वहाँ पे काफ़ी ग्रुप ऑफ पीपल, और क्या ही ट्रिपी बनी है दोस्तों ये पेंटिंग। हाँ हो गया सेंड फुटेज, ठीक है। तो दोस्तों ये अपने जिबनू भाई, इनका ऊपर गुडलक कैफे, हम लोग वहाँ पे रुके थे। ओके भाई जी निकलता हूँ फिर मैं, होती है मुलाकात, ठीक है चल टॉमी। तो अब यहाँ से निकलते हैं खिम भाई हम लोग, कितनी देर में पहुँच रहा है गेस्ट? अरे एक दो घंटे बाद, एक दो घंटे बाद आ जाएगा, ठीक है उतनी देर में तो हम लोग भी पहुँच जाते हैं।
82 है भाई। हर बार थोड़ी थोड़ी देर में अपनी हार्ट बीट चेक कर रही है। हो जाए एक ही बार में पटाखा भी दे दो, एक ही बार में पटाखा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक ब्राइट सनी डे है, मतलब यहाँ पे पब्लिक पब्लिक सब इंजॉय कर रही है, क्या ही नज़ारे यहाँ पे। टॉमी भी अपना आ गया वापस। ए कहाँ था बेतू, पिट पिटा करके कहीं से आया ही है। तो मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर के बाद, क्या बोलते हो? यस ब्रो, आराम करते हैं यहाँ पे।